स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय एम एस सर क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक बताने जा रहा हूं, जो क्लास 12th का है और हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और 7.1। तो देखते हैं, पहली वीडियो इसका हो चुकी है और आज इसका सेकेंड वीडियो है 7.1 का। और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक क्लियर करने में जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कि आप लोग जितने भी फार्मूला मैंने बताया है आप लोग याद कर चुके होंगे, तो हम लोग चलते हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, तो चलते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटा में एक्स माइनस वन डी एक्स। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, इसको कटा कर छोटा कर लें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या कि इसको हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तब बच गया एक्स माइनस वन और प्लस, यहाँ पे मैं वन बाहर निकाल ले रहा हूँ क्योंकि वन से किसी संख्या में गुना करने या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको गुणनखंड यहाँ पर समझ में आ जाए और बटा में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन और डी एक्स। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन और बटा में एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको हमने इसको एक लिख दिया और ये दोनों जो कॉमन है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखते हैं कि ये कट जाता है। अब कटने के बाद देख रहे हैं क्या कि ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। तो इसको हम बाई पार्ट के अनुसार तोड़ देंगे, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स तोड़ देंगे, प्लस में वन है तो वन इंटू, जबकि वन छिपा हुआ रहता है ये बात ध्यान देंगे, और डी एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ से हम इसका फाइनल आंसर लेंगे। तो देखो आपको बताया गया है ना कि एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है। मैं फार्मूला को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए रिविज़न हो जाए और आप इसे हर हाल में याद करेंगे। देखिए विदाउट फार्मूला नो सॉल्यूशन, ये बात याद रखेंगे लोग। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं क्या कि एक्स के पावर एन प्लस वन और बटा में एन प्लस वन, अब प्लस में क्या होता है सी होता है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर तीन और बटा में मैंने क्या कर दिया तीन, और ये देखते हैं प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर वन है तो वन का क्या होता है एक्स होता है, अब प्लस में सी और आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। देखिए इतने में हमें आशा है कि हो जाएगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लें। 14 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स और अंदर रूट एक्स डी एक्स, ये देख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बात करेंगे, देखिए रूट में तो इंटीग्रेशन निकालने का बताया नहीं गया है, तो एक काम कर लेते हैं इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, 1 माइनस तो एक्स हमारा रह ही जाएगा, ये एक्स के पावर 1 बाई 2 हो जाएगा और टोटली डी एक्स। अब देखिए इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक में इससे गुना करेंगे तो टू डी एक्स और माइनस, देखिए अब यहाँ एक्स का पावर वन है और ये एक्स का पावर वन बाई टू, तो वन अब प्लस वन बाई टू बराबर थ्री बाई टू एंड एक्स के पावर थ्री बाई टू डी एक्स कर सकते हैं। हमने इसके साथ साथ बाई पार्ट भी कर लिया। अब देखते हैं क्या इसका निकालते हैं, तो एक्स का पावर वन बाई टू और प्लस वन बटा में वन बाई टू और प्लस वन और ये माइनस माइनस है एक्स के पावर थ्री बाई टू और प्लस वन और बटा में थ्री बाई टू और प्लस वन और प्लस में सी।
अब देख सकते हैं यहाँ से हम लोग, देखिए दो एकम दो आ एक तीन, तीन बटा में दो आ ये भी तीन बटा में दो, तो ये पलट जाएगा दो बटा में तीन और एक्स के पावर थ्री बाई टू माइनस ये देखिए तीन दो पाँच बटा में दो, यानी कि दो बटा में पाँच और एक्स के पावर पाँच बटा में दो और प्लस में सी, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, तो 14 क्वेश्चन हम लोग देख लिए और 14 भी क्लियर हो चुका है। आप लोग एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे, दो दो बार वीडियो देखेंगे, जितनी बार समझ में ना आए कृपया उतनी बार वीडियो को देखें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अंडर रूट एक्स और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और डी एक्स। अब देखिए यहाँ से काम करेंगे, देखो फिर यहाँ पर देखते हैं ना कि अंडर रूट एक्स जो बाहर में आ गया, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। अब देखो इसको बाई पार्ट गुना करके तोड़ लेंगे, देखो जब गुना में यहाँ देखते हैं कि एक्स के पावर वन बाई टू और एक्स के पावर टू, तो एक्स के पावर वन बाई टू और प्लस टू, तो क्या हो जाए एक्स के पावर यहाँ टू एलसीएम वन और प्लस दो दूना का चार, यानी एक्स के पावर फाइव बाई टू हो गया हमारा, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया एक्स के पावर फाइव बाई टू। तो क्या करेंगे यहाँ पे थ्री को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स के पावर फाइव बाई टू ले लेते हैं, फिर ये करेंगे डी एक्स और फिर दो को बाहर निकाल लेते हैं और एक्स के पावर देखिए यहाँ पे एक है, एक्स के पावर एक और प्लस एक बटन में दो, यानी एक्स के पावर थ्री बाई टू और एक्स के पावर थ्री बाई टू डी एक्स आप प्लस यहाँ ले लेते हैं तो थ्री तो हमारा आ जाएगा बाहर में और ये एक्स के पावर वन बाई टू डी एक्स। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका फाइनल रूप देने जा रहे हैं। देखिए तो तीन तो हो गया, अब जुटेगा वन तो पाँच बटा दो और प्लस वन, देख सकते हैं रफ स्केच में कि पाँच बटा में दो और प्लस वन एल सी एम दो पाँच और प्लस दो सात बटा में दो, एंड लिख सकते हैं एक्स के पावर सात बटा में दो। और देखिए ना अब बटा में भी लिखेंगे सात बटा में दो, मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप समझ लें, ताकि आपको क्लियर समझ में आए, मैं ज़्यादा ही रफ कर ले रहा हूँ। एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस वन बटा में फाइव बाई टू प्लस वन, चलिए दो हो गया एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस वन और बटा में थ्री बाई टू प्लस वन थ्री और एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बटा में वन बाई टू प्लस वन प्लस में सी। अब देख सकते हैं आप यहाँ से कि पाँच दो सात बटा, देखिए थ्री गुना एक्स के पावर सात बटा में दो और बटा में सात बटा में दो टू इंटू एक्स के पावर तीन दो पाँच बटा में दो बटा में पाँच बटा में दो और थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू और बटा में थ्री बाई टू और प्लस में सी। अब यहाँ फाइनल स्टेज लेते हैं तो ये तीन दूना छः बटा में सात एक्स के पावर सात बटा में दो प्लस दो दूना का चार बटा में पाँच एक्स के पावर पाँच बटा में दो प्लस ये तो तीन तीन कट जाएगा यानी कि टू एक्स के पावर थ्री बाई टू आप प्लस सी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका फाइनल ये आंसर हो गया सिक्स बाई सेवन एक्स के पावर सेवन बाई टू और फोर बाई फाइव एक्स के पावर फाइव बाई टू और टू एक्स थ्री बाई टू एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस सी आपका फाइनल आंसर हो गया 15 नंबर क्वेश्चंस का। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16।
अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं यहाँ से। देखिए अब इसको हम बाई पार्ट पहले तोड़ लेंगे, 2 को बाहर लेंगे x dx हो जाएगा, 3 को बाहर लेंगे और cos x dx हो जाएगा और e के पावर x dx। देखिए हम आपको बताए हैं कि जब इस तरह के मिले तो इसको बाई पार्ट तोड़कर अलग अलग कर लेते हैं, ये आपके बनाने के लिए आसान होगा या तो हम आपको अच्छी तरह से समझा पाते हैं इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे हम, तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ फाइनल आंसर निकालते हैं। दो तो हमारा हो गया ये, और एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस 3 कोस का साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, ये बात आपको पता है। लास्ट में सी देखिए ना, ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स अब प्लस ई के पावर एक्स अब प्लस सी, और फाइनल का हो गया आपका आंसर। तो ये इतना आसान था क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग। और ये क्वेश्चन नंबर था आपका 16। अब देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, इसी पर देख लिया जाए, स्पेस तो अच्छा खासा बचा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसी बेस पर लगभग है जो आप देख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं हालांकि। अब ये 5√x और ये हो गया dx, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, फिर इसको मैं कहूँ तो बाई पार्ट अलग अलग तोड़ दीजिए। तो मैं क्या करूँ, इसको 2 को बाहर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर हो गया, 3 को बाहर मैंने ले लिया और साइन एक्स डी एक्स हो गया। देखिए हालांकि यहाँ भी डी एक्स छूटा हुआ है, अभी डी एक्स में रखेंगे याद देंगे। तो अगला लेते हैं, तो 5 को बाहर ले लेते हैं और अंडर रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 और डी एक्स कर देते हैं। अब देखिए ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 2 एक्स के पावर 2 अब प्लस 1 3 अब बटा में 2 प्लस 1 ले लेते हैं, और 3 अब साइन है तो माइनस कोस, तो माइनस में से क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स अब प्लस 5 एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 अब बटा में 1/2 प्लस 1 अब प्लस में सी। अब आप यहां देख सकते हैं कि तो 2 रह गया, और 2 एक 3 एक्स के पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 कोस एक्स प्लस, ये देखिए ना 3 बटा में 2 तो ऊपर 2 तो 5 दूना 10 अब बटा में 3 और एक्स के पावर 3 बटा में 2 अब प्लस में सी आंसर। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तब का ये 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि मिला सकते हैं आंसर 2/3 एक्स के पावर 3 3 कोस एक्स प्लस में और 10 बटा में 3 एक्स के पावर 3/2 आप प्लस में सी। तो आप इसको ढंग से देख के बना सकते हैं। और चलिए ये बातें भी क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, देख लेते हैं 18 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन में है कि आप देख सकते हैं sec x into sec x plus tan x dx। अब यहाँ देखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दे बनाने के लिए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तब मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर x डी एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए आपको पता है ना कि इसका क्या होता है, tan होता है, tan x हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये इसका क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है तो sec x होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स बराबर क्या होता है, sec x होता है। आप प्लस में क्या लगाते हैं, c। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, आप 18 देख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर
19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इसी पेज पर हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, sec स्क्वायर x चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब देखिए ना, अब इस तरह से sec स्क्वायर x दे दिया है, बटा में दिया है, cosec स्क्वायर x ऐसा दिया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन देना तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको sec को 1 by cos स्क्वायर x कर सकते हैं, इसको 1 by sin स्क्वायर x कर सकते हैं, और ये dx। अब यहाँ से लेते हैं तो 1 by cos स्क्वायर x और गुना कर लेते हैं sin स्क्वायर x बटा में 1 into dx। अब यहाँ देखिए तो sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। sin बटा cos बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर x dx। अब देखिए तो tan स्क्वायर x का तो कोई इंटीग्रेशन तो बताया ही नहीं गया है, तो इसको तोड़ लेते हैं। क्लास 10th से ही आप रूल्स पढ़ने आ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 1 into dx, क्योंकि आप जानते हैं कि tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1, ये बात आपको पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है और ये आपको याद होनी चाहिए। अब आप हम यहाँ से देख रहे हैं क्या कि अलग कर देते हैं, तो sec स्क्वायर x dx माइनस 1 into dx। अब इसको निकालेंगे फाइनल, तो sec स्क्वायर x का tan x होता है, tan x माइनस 1 का x होता है, अब प्लस में c, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीका से आप लोग बना पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं। तो इसको देखें और बारी बारी करके बनाएं आप लोग। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 था, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब देखिए थोड़ा सा ये हटके चेंजिंग ऐसा लग रहा है, बट उससे घबराने कोई बात नहीं है। इसको देखिए कैसे हम लोग बना पाते हैं, थोड़ा सा ये काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए एक ही महीने इसको अलग अलग तोड़ देंगे। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं का 2 by cos x - 3 sin x - cos x और dx ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, अब 1 by cos के 2 है और गुना 1 by cos x और dx में देखिए मैं अलग ही कर दे रहा हूँ, चाहे अभी चलो मैं एक ही में चल रहा हूँ। देखो तो 3 sin x अब बटा में cos x dx। अब देखिए अब क्या करेंगे कि 1 by cos क्या होता है, sec होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 sec² x और यहाँ लिख सकते हैं 3 sin x अब बटा में cos x इंटू में 1 by cos x, देख सकते हैं यहाँ से dx में। अब क्यों, मैंने स्क्वायर को बाई पार्ट अलग अलग दो पार्टों में कर दिया, तो साइन बाई कॉस हमको क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा, अब 1 by cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, tan इंटू sec यानी cos x का ये आपका डिफ्रेंशिएशन चलाएगा। तो यहाँ से काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 को बाहर ले लेते हैं और ये sec² x dx और 3 sin by cos 10x इंटू 1 by cos क्या होता है sec x और dx। अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 sec² x का क्या होता है, 10x होता है, 10x, और ये 3 क्या होता है, sec x होता है, sec x, और प्लस में क्या लगाएंगे, c लगाएंगे, और ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर क्या है, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c आपका फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। अब 21 क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि 21 क्वेश्चन MCQ डाला हुआ है, ऑप्शनल डाला हुआ है, तो कह रहे कि प्रश्न 21 एवं 22 के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज क्या है, का प्रति अवकलज है यानी इंटीग्रेशन क्या है। सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा, देखो इसको क्या करते हैं ना, इसमें डालेंगे एक बार, इसमें डाल देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए ये क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस इसको भी अलग कर देते हैं वन बटा में अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए ये एक्स के पावर वन बाई टू, एक्स के पावर वन बाई टू डी एक्स प्लस एक्स के पावर माइनस वन बाई टू। देखिए ये बटा में है ना, मैंने पहले ही डायरेक्ट मैंने एक लाइन छुपा लिया यहाँ से, डायरेक्ट मैंने ले लिया वन बाई टू डी एक्स। अब लेते हैं देखिए क्या, तो एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बटा में वन बाई टू प्लस वन प्लस एक्स के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बटा में माइनस वन बाई टू प्लस वन। अब प्लस में क्या लगाते हैं, सी लगा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या कि एक्स के पावर थ्री बाई टू हो गया और ये थ्री बाई टू तो टू बाई क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। अब देखिए ये देख लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या आएगा देखिए, वन बाई टू आ जाएगा तो दो ऊपर चला जाएगा तो टू और एक्स के पावर वन बाई टू आप प्लस में सी। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं या इसको टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस टू रूट एक्स आप प्लस सी ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एक्स का पावर वन बाई टू है तो वो अंडर रूट में है। तो ये बात है क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन है सी, देखिए ना इसको रूट में ही डाला है, यही तक आंसर दे दिया है देख सकते हैं। और ये आपका फाइनल क्या हो गया आंसर, हाँ ऑप्शन में कौन आ गया भाई, तो सी ऑप्शन आ गया, आंसर क्या है सी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें एक दो काम करना है इसमें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब हम लोग इस चैप्टर का 7.1 का लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन बाय पार्ट दो पार्टों में करके बनता है, थोड़ा देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसका तो इंटीग्रेशन निकालना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हम जो लेते हैं 4x³ माइनस 3x⁴ और ये मैंने ऐसे ले लिया, चलिए ये तो हो गया, इसको थोड़ा सा बाय पार्ट हम कर देते हैं। तब 4x और 3dx माइनस 3x⁴ dx देख सकते हैं यहाँ से, मैंने बटा में जा था उसको मैंने ऊपर कर दिया और पावर का माइनस चिन्ह क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखिए इसको पहले सीधी सी बात क्या करेंगे, 4 और इसके पावर 3 या प्लस 1 बटा में 3 या प्लस 1 माइनस 3 इसके पावर माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 4 या प्लस 1 और प्लस में क्या लगाएंगे सी। अब देख सकते हैं कि 4 एक्स के पावर 4 और बटा में 4 3 एक्स के पावर माइनस 3 बटा में माइनस 3 और प्लस में सी। तो देखिए ना इसे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया एक्स के पावर 4 यहाँ बच गया एक्स के पावर 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया देख सकते हैं आप लोग। और ये एक्स के पावर माइनस 3 तो 1 बटा में एक्स के पावर 3 कर देंगे और प्लस में सी करेंगे, लेकिन अब बट यहाँ बात देंगे, अब सी का मान ज्ञात करना है। तो एक्स के पावर 4 बटा में क्या दिया है, एक्स के पावर 3 दिया हुआ है। अब ये काम कर लेते हैं हम लोग, इसका निकाल लेंगे मान, क्या निकालेंगे तो इसमें पुट करके सी का मान, फिर सी का भी मान यहाँ पर रख देंगे। तो क्या करते हैं देखते हैं, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की प्लस सी बराबर क्या जी, 0। ये जब एफ एक्स का मान है, तो अब जब एफ टू का मान रखेंगे तो 2 के पावर 4 प्लस 1 बाई 2 के पावर 3 और प्लस सी बराबर 0। तो 2 के पावर 8 4 बराबर 2 × 4 = 16 हो गया, 16 प्लस 1 बटा में 8 और प्लस सी बराबर 0। 16 × 28 से प्लस 1 बटा में 8 और प्लस सी बराबर 0, यानी सी बराबर लिख सकते हैं कि −129 बटा में 8। तो अब देखो ना सी का मान यहाँ पुट कर देना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे कि एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 और −129 बटा में 8 और फाइनल का क्या हो गया आंसर। और आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन
ऑप्शन नंबर है ए, ये ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दे सकते हैं, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने इस वीडियो को ख़त्म कर दिया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को अंत तक देखें हमेशा, न समय बारी बारी देखें। यदि ज़्यादा डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज करके आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक और बात, अब हमारे बिहार में कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर चरम सीमा पर पहुंच गया है, कृपया सेफ रहें और स्वस्थ रहें। तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।